नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पर जलाशय दिख रहे हैं और कहीं पर हरे हरे मैदान दिख रहे हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये विभिन्न स्थल रूप हैं जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद हैं। जल नीले रंग से दर्शाया जा रहा है, मैदान हरे रंग से दर्शाए जा रहे हैं और पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाया गया है। तो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए प्रमुख स्थल रूपों को दिखाया जा रहा है। तो आपने इसमें अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न तरह के स्थल रूप देखे जो चित्र में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे बच्चों कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे और कुछ भाग समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या हम जिस पर खड़े हुए हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। नीचे पृथ्वी की सतह में बहुत नीचे धीरे धीरे से हिलडुल हो रही है, गति हो रही है। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है और बहुत सा पानी बहकर नीचे चला जाता है। इससे ये समझ में आता है कि पृथ्वी की सतह कहीं कहीं पर ऊपर को उठी हुई है और कहीं पर धंसी हुई है। और दूसरी या बाह्य प्रक्रिया से स्थल पर लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि जब हमें पौधा लगाना होता है तो हम मिट्टी को खोदते हैं, तो मिट्टी के छोटे छोटे कण कहाँ से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से टूट कर आए हैं या इनके जुड़ने से क्या होता है? आपने लड्डू बनाया है, आप मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और गोल गोल कर दीजिए मिट्टी को, तो वो सारी मिट्टी एक साथ जुड़ जाती है। तो दूसरी या भाग प्रक्रिया में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्थल में लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब आपने बहुत सारे समय कई कई बार फेविकॉल में एक के ऊपर एक आपने पन्ने चिपकाए होंगे, तो ये कौन सी क्रिया हुई? निक्षेपण की क्रिया। इसको निक्षेपण की प्रक्रिया कहेंगे। इसी तरह स्थल भी धीरे धीरे टूट कर छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं और निक्षेपण द्वारा फिर से उनका निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अगर हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लें तो आप देख सकते हैं कि जो पर्वत की ऊपरी भाग होता है, जो शिखर होता है, वो छोटा होता है और जो आधार होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है और हमें ठंड लगने लगती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। आप सोचते होंगे कि नदियों में पानी कहाँ से आता है? तो जब गर्मी पड़ती है तो इन बर्फों पे जो नदियाँ जमी रहती हैं, बर्फ़ की नदी, वो पिघल जाती हैं और नदियों में पानी का बहाव आ जाता है।
तो इन बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि पर्वत सिर्फ पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ की धरातल खड़ी ढाल वाली होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। आप देख रहे होंगे, अगर आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो वो ढाल की तरह होती है और उस पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप खेती करेंगे तो आपको सिंचाई भी करनी पड़ेगी और सिंचाई जब करेंगे तो ढाल के कारण पूरा पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ढाल पर कृषि योग्य भूमि की बहुत ही कमी होती है और वहाँ पर बहुत कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करना बहुत कठिन होता है। तो आपने देखा होगा, आप कभी घूमने गए हैं तो पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, और बहुत से पर्वत तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है और पर्वत भी आपके साथ साथ चलते जा रहे हैं। इससे हमको ये समझ में आता है कि पर्वत समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैले होते हैं। कुछ पर्वतों के नाम तो बताइए बच्चों। हिमालय पर्वत का नाम तो आपने सुना होगा। भारत देश में हिमालय ढाल की तरह काम करता है और दुश्मनों को हम तक आने से रोकता है। तो मैं ही कुछ आपको पर्वतों के नाम बता देती हूँ। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में बहुत भिन्नता होती है। आपने देखा होगा, कई पर्वत शिखर पे छोटे होते हैं, कई गोलाकार होते हैं और कुछ छोटे छोटे पर्वत होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ पर्वत ऊपर से शिखर की ओर बहुत नुकीले होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं। तो आइए आज हम पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं या पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, पर्वत मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा प्रंशोथ पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब जैसे कि शब्द से अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो वलित का मतलब होता है जो मुड़कर बनते हैं। तो वलित पर्वत का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से जो बनते हैं वे लहरदार पर्वत होते हैं और उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे हिमालय, अल्प्स, रॉकीज और एंडीज, हिमालय तथा एल्प्स वलित पर्वत हैं। तो बच्चों, अब अगर आप कभी भी घूमने जाएं तो आप ये जानने की कोशिश करें कि जो दूर से आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं वो वलित हैं या वो किसी और प्रकार के पर्वत हैं। तो चलिए अब हम भ्रंशोथ पर्वत के बारे में जानते हैं। बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से वो फिर से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए उत्खंड को हॉर्स्ट कहते हैं तथा नीचे धसे हुए वाले खंड को द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्टेवस के जो पर्वत हैं वो इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये भ्रंशोथ पर्वत का चित्र है। इस चित्र में कुछ ऊंचे उठे हुए उत्खंड दिख रहे हैं और कुछ धसे हुए खंड दिख रहे हैं। तो जो
ऊपर उठे हुए उत्खंड हैं उनको हॉर्स्ट कहा जाता है, और जो नीचे धसे हुए खंड हैं वो द्रोणिका भ्रंश या ग्रेबन कहलाते हैं। ऐसे उदाहरण यूरोप की राइन घाटी में और वॉसजेस पर्वत में पाए जाते हैं। और अब आती है ज्वालामुखी पर्वत की बारी। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी जब फट जाता है उसमें से गरम गरम लावा निकलता है, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तब ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो आपने नाम सुना होगा, तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फूजीयामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, नीचे से जब बहुत गर्मी होती है तो नीचे की सतह, पृथ्वी के नीचे की सतह में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पिघलकर लावा बन जाते हैं, और जब उनमें बहुत ज़्यादा गति होती है तो लावा फूटकर ज्वाला की तरह बाहर आ जाता है, और वो बहुत गर्म होता है और उसमें से तरह तरह की गैसें भी निकलती हैं। तो ये लावा जो है जब बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तब उसके द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। आशा है मुझे कि आपको आज के इस चर्चा में बहुत सारे पर्वतों के बारे में जानकारी मिली। पृथ्वी पे बहुत सारे स्थल रूप मौजूद हैं, उनके बारे में आपने जाना। तो आज आती है अब ग्रह कार्य की बारी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको बहुत ध्यान से सुने, और इसमें पृथ्वी पर मौजूद स्थल रूप कौन कौन से हैं उनके नाम आपको अपनी कॉपी में क्रम से लिखने हैं। जितने भी स्थल रूप आपको चित्र में दिखाए गए हैं उनके नाम ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। दूसरा ग्रह कार्य जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। वलित पर्वत कौन कौन से हैं, भ्रंशोत्ति पर्वत कहाँ पाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, और ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है, ऐसी कौन सी आंतरिक प्रक्रिया होती है पृथ्वी के नीचे जिसकी वजह से लावा बाहर आता है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपको थोड़ा सा खोज करना पड़ेगा। आप गूगल कर सकते हैं, आप डिस्कवरी चैनल देखकर भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि पर्वतों के बारे में जानने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।